जब आपको ये पता चले कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं वो जहरीली है, इंजेक्टेड है, रातों रात इन्हें तैयार कर आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। बाजार में मिल रही मिलावटी सब्जी और फल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। सब्जी को अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे उसे एक महीने का समय लगेगा, डेढ़ महीने का समय लगेगा अपना पूरा आकार आने में, वो रातों रात अपना आकार ले रही है। तो आप सोचिए कि ये जो हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है उससे आपके शरीर पर कितना असर पड़ रहा होगा। स्वास्थ्य के लिए रामबाण कही जाने वाली हरी सब्जियों की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह अब लग चुके हैं। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में कल हमने बताया कि कैसे नकली दूध पीकर आप अपनी और अपनों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि पूरा सप्ताह हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों की। वैसे तो देश में इस वक्त चुनावी माहौल है और दूसरा जो मुद्दा है वो ये क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। अब आप ये कहेंगे कि आप इस पर बात ना करके बिल्कुल लीक से हटकर बात कर रहे हैं। देखिए, चुनावों पर तो कल भी हम बात कर सकते हैं, एक सप्ताह बाद भी बात कर लेंगे, जो तैयारियां चल रही हैं उस पर भी बात कर लेंगे। राम मंदिर का जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपकी सेहत की कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो तेजी की लाइफ है इसमें ना तो हम ये ध्यान दे रहे हैं कि हम खाने पीने में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार से लाते हैं, हमें सुंदर सी सब्जियां नजर आती है, सुंदर से फल नजर आते हैं, हम खरीद के ले आते हैं, खा लेते हैं और सोचते हैं कि हमने तो पौष्टिक आहार ले लिया है। हम थोड़ी ना फास्ट फूड खा रहे हैं, हम तो सब्जियाँ खा रहे हैं, हम तो फल भी खा रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो सब्जियाँ आप खा रहे हैं वो वाकई आप तक वो पोषण पहुंचा रही है जो पहुंचना चाहिए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे सब्जियों की। बचपन से सुनते आए हैं हरी सब्जियां सेहत का खजाना होती है, हरी और पत्तेदार सब्जियों से दिमाग तेज होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है। लेकिन जिन सब्जियों को आप सेहत का राजा मानते आए हैं वही आपके शरीर को खोखला भी बना सकती है। क्या हो जब आपको ये पता चले कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं वो जहरीली है, इंजेक्टेड है, रातों रात इन्हें तैयार कर आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। आम तौर पर अगर आप किसी किसान से पूछेंगे कि एक मौसम की सब्जी को तैयार होने में कम से कम कितना वक्त लगता है तो जवाब मिलेगा कि कम से कम अगर सब्जी इस्तेमाल करने लायक चाहिए तो आपको एक महीने का समय तो देना ही होगा। आगे आज के पूरे एपिसोड पर बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने माता पिता से कई बार सुना होगा कि पहले सीजन के हिसाब से ही सब्जियां मिला करती थी, सुना होगा पक्का। लेकिन आज के दौर में आप हर मौसम में हर तरह की सब्जियां खरीद सकते हैं। गर्मी में आपको पालक मिल जाएगा, सर्दियों में आप कोई भी गर्मी सीजन की सब्जियां ले सकते हैं। तो आते हैं मुद्दे पर, क्या आप जानते हैं कि आप जो सब्जियां खा रहे हैं वो सब्जियां नकली भी हो सकती हैं, उन्हें ऑर्गेनिकली नहीं बल्कि इंजेक्शन लगाकर उगाया जा रहा है। लौकी, कद्दू, खीरा ये तो सबसे ज्यादा पौष्टिक माने जाते हैं। अगर कोई बीमार भी होता है तो लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी ये खाने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिकली उगाई हुई सब्जी। अगर इंजेक्शन लगाकर लौकी उगाई जा रही है, कद्दू उगाया जा रहा है, खीरा उगाया जा रहा है, तोरई उगाई जा रही है तो ये आपकी सेहत को और ज़्यादा नुकसान देता है। कई वैज्ञानिक, कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि कीटनाशक, भारी धातुएं, तेजी से विकास के लिए डाले गए रसायन और आर्टिफिशियल रंग बाजार में हरी और ताज़ा दिखने वाली सब्जियाँ सेहत के लिए जहर हैं। ज्यादातर सब्जियां या तो सलाद के रूप में कच्ची खाई जा रही हैं या न्यूनतम इसे बाद में खाया जाता है। टमाटर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर, सलाद, चुकंदर जैसे आम सलाद वाली सब्जियों को अगर इन्हें नहीं संभाला गया तो ये नर्व्स ब्रेकडाउन, न्यूरोटॉक्सिक, जटिलताओं और बांझपन का कारण भी बन सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सब्जियां खाकर आप
इन सब बीमारियों को पनाह दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से सब्जियां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या नकली और असली में आप फर्क नहीं कर खा रहे हैं। तो सैलेड अगर हम बात करें, जिसे आम हिंदी में अगर बोलें तो सलाद, सलाद भारतीय घर में इस्तेमाल होता है, खूब चाव से खाया जाता है। और सलाद इसलिए खाया जाता है ताकि आप अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकें। लेकिन वही सलाद अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं तो ये आपको ब्रेकडाउन, न्यूरोटॉक्सिक, बांझपन का कारण भी बना सकता है। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर हैं रसायन विभाग के, वो कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने और उसके विकास में तेजी लाने के लिए सब्जियों को स्तनधारी हार्मोन ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। आप सोचिए, ये हार्मोन इंसानी प्रजातियों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि सब्जी उत्पादन में इनके बड़े पैमाने पर उपयोग को किया जा रहा है, हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलावटों की बिक्री को नियंत्रित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि अब जिंदगी इतनी दौड़ भाग वाली हो गई है कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं वाकई वो ऑर्गेनिकली उगाया हुआ है या नहीं है, या वो मौसम पर छोड़ दिया गया है। जैसे कि पहले खेती होती थी कि जिस मौसम में जिस चीज़ की खेती होती थी तभी वो आपको मिल पाती थी, लेकिन आज तो आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी खरीद सकते हैं किसी भी मौसम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इतनी 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हमारे देश की, और भरपाई कैसे हो रही है इसी तरीके से? इन दिनों हर कोई ताज़ी दिखने वाली सब्जियों की तलाश में है। लोगों को लगता है कि हम ताज़ा सब्जियां खाएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। देखिए, अगर आप बात करें लौकी की, लौकी से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजेक्शन इसी में लगाए जाते हैं। एक औसत लौकी 10 से 15 रुपये में बिकती है, जबकि दूसरी लौकी जो आकार में बड़ी है उसकी कीमत 20 रुपये है या उससे ज़्यादा भी होती है। इसलिए ज़्यादातर व्यापारी लुक को चुनते हैं क्योंकि ग्राहक वही चाहते हैं और वही खरीदते हैं। जी हाँ, जो सब्जी विक्रेता है ज़्यादातर उन्हें ही चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ग्राहक की डिमांड क्या है। जो दिखने में सुंदर और बड़ी लग रही है और 20 रुपये में मिल रही है तो वही खरीदी जाएगी। कुछ सब्जी व्यापारी भी ऐसा कहते देखे गए हैं। जहाँ तक अगर किसानों की हम बात करें तो सिकुड़ती कृषि भूमि, क्योंकि कृषि के लिए अब ज़मीन कमी बची है, कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज़्यादा, हम धड़ल्ले से बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, बढ़ती लागत भी लगती है, अब लोगों के पास उतना पेशेंस तो है नहीं, और प्रतिकूल मौसम बहुत कम गुंजाइश देते हैं। किसानों का ये भी कहना है कि वो साल में लगभग 6 महीने नदी किनारे सब्जियां उगाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें या तो नदी पर डिपेंड होना पड़ता है या मौसम पर डिपेंड रहना पड़ता है, और इतना इंतज़ार अगर वो करेंगे तो मुनाफा क्या, लागत भी नहीं मिल पाएगी। पैसा, हर किसी को पैसा कमाना है, सेहत के साथ भले खिलवाड़ हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज के समय में खाने पीने की हर चीज़ में मिलावट देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों ने अब तक शक्कर, दालों और दूध के बारे में सुना है, लेकिन सब्जियों के बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे कि सब्जियां भी ऐसे ही आर्टिफिशियल बन रही हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे पहले से ही कि सब्जियों और फलों पर भी इस्तेमाल होती है कुछ ऐसे रंग जिससे वो हरी और ताज़ा दिखती है। बाजार में मिल रही मिलावटी सब्जियों और फल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। बार बार इसीलिए इस लाइन को मैं दोहरा रही हूँ। कुछ सब्जी वाले जो है, जो सब्जी विक्रेता है, सब्जियों को जल्दी पकने के लिए कीटनाशकों का इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ सिंथेटिक रंग या मेलाकाइट का हरा और मोम का लेप भी मिलाते हैं। मोम के लेप के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर आपने देखी होगी। बहुत सारे से लोग हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो यूट्यूब पर ये सब चीज़ें खंगालते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। कई फ्रूट्स पर अगर हम सेब, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सेहतमंद कहा जाता है कि अगर आप रोज़ एक सेब खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से बहुत दूर रखेगा, तो सेब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आए थे। मैंने खुद देखे वो वीडियोस कि उस पर एक परत सी सफ़ेद तरह की होती है, जब आप उसे चाकू से चम्मच से हटाने की कोशिश करते हैं तो कुछ मोम सा नज़र आता है। तो हकीकत में ऐसा हो रहा है, इसलिए जागने की ज़रूरत है हमें। बरसात के मौसम में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इस पर भी फोकस होना चाहिए। हरी सब्जियों का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं इसमें बरसात के मौसम का जिक्र खास करके कर रही हूँ।
क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है कि इसमें कुछ अगर पेट संबंधी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। देखिए, बारिश का मौसम आते ही हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई या दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं जिन्हें ध्यान से निकालना भी मुश्किल होता है। बरसात के मौसम में फूल गोभी और पत्ता गोभी भी नहीं खानी चाहिए, इनमें छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं जो हमारी नज़रों में नहीं आते हैं। मॉनसून में पोषक तत्वों से भरपूर माने जाने वाली मशरूम से भी दूरी बना लेनी चाहिए। मशरूम खाने से इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन की वजह से पेट दर्द होता है, उल्टी की समस्या भी हो सकती है। अब बरसात के मौसम में सब्जियों की कच्ची सलाद नहीं खानी चाहिए, हमेशा सब्जियों को पकाकर ही खाएं। कच्ची सब्जी आपको पेट संबंधी बीमारी दे सकती है। बारिश के मौसम में शिमला मिर्च भी नहीं खानी चाहिए, शिमला मिर्च में भी कीड़े होने की संभावना रहती है। और अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे थे कि आप बरसात के मौसम में सब्जियां खा रहे थे, तो आके आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, ध्यानपूर्वक सब्जियों को चुनाव करें, क्योंकि सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको बाज़ार आप जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे हैं, क्योंकि सब्जी तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक महीने बाद खा लेंगे या कुछ ऐसा है, तो रोज़ सब्जियां चाहिए होंगी, रोज़ घर में खाना बनता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जियां खरीदने जाते होंगे। अगर आपको बाज़ार में बहुत ज़्यादा ताज़ी या हरी चमकदार सब्जी नज़र आ रही है, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। दुकानदार सब्जियों में चमक लाने के लिए उसमें रंग और केमिकल मिलाते हैं, पानी में केमिकल मिलाया जाता है और इसे फिर सब्जियों को इसमें डुबोकर ताज़ा और चमकदार बनाई जाती है। रोज़ाना शरीर में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ सेहत पर सीधा प्रभाव डालते हैं, इससे होने वाली बीमारी का पता भी काफ़ी देर से चलता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए तो मिलावटी खाद्य पदार्थ और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि आज आप इस पर क्यों बात कर रही है, तो देखिए, हमने पहले ही कहा था कि इस पूरे सप्ताह हम इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की दौड़ भाग भरी वाली ज़िंदगी में हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हम मोटापे को कम करने के लिए या फिर सेहतमंद रहने के लिए योग का व्यायाम का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हमें हरी सब्जियां जो कही जाती है कि खानी चाहिए, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बीमार हैं तो ये कारण हो सकता है, इसीलिए मुझे उस पर आज बात करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य के लिए रामबाण कही जाने वाली हरी सब्जियों की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह अब लग चुके हैं। साल दर साल बढ़ रहे हैं लौकी खीरा कद्दू की मांग बढ़ने पर सब्जी उत्पादक किसान सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। प्रतिबंधित है फिर भी परहेज नहीं हो रहा है, अब खपत तो करनी है ना, तो अब रास्ता यही नजर आता है। ये इंजेक्शन जहां रातों रात सब्जी के आकार को बढ़ा देता है, तो वहीं ये सब्जियां स्वास्थ्य पर विभिन्न बीमारियों के रूप में अपना असर छोड़ जाती है। बार बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ, और इस समय बाजार में हरी सब्जियों की मांग बढ़ने के साथ ही इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, उसके चलते सब्जी उत्पादक भी अपना फायदा उठाने के लिए सब्जी की बेल में इंजेक्शन लगाकर रातों रात उसे बड़ा कर रहे हैं, गुरेज नहीं करते ताकि सुबह बाजार में अच्छा मुनाफा कमाया जाए। जानकार किसान बताते हैं कि इस इंजेक्शन में इतनी क्षमता है कि 2 इंच की लौकी खीरा कद्दू की बेल में इसके लगाने से रातों रात सब्जी अपना पूरा रूप धारण कर लेती है। सोचिए, जिस सब्जी को अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे उसे 1 महीने का समय लगेगा, 1.5 महीने का समय लगेगा अपना पूरा आकार आने में, वो रातों रात अपना आकार ले रही है, तो आप सोचिए कि ये जो हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है उससे आपके शरीर पर कितना असर पड़ रहा होगा, और इसकी बेल में जितने भी फल होते हैं वो भी बढ़कर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नहीं, रातों रात आप बेल पे इंजेक्शन लगाइए और सुबह बाजार में निकल जाइए कद्दू खीरा और लौकी बेचने के लिए। अगर ये तो बात हो गई जो गांव में भी किसानी हो रही है या फिर जो कस्बे हैं उनमें भी किसानी हो रही है, अब शहरों का रुख करेंगे, क्योंकि जैसे महानगर हैं उनके आसपास जैसे नदी हैं तो नदी के किनारे भी सब्जियां उगाई जाती हैं, तो दिल्ली का एग्जांपल मैं ले लूँ तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं इस तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो शहरों में यमुना किनारे हम बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान सब्जियों को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर वो भी जान लीजिए। वैसे तो इंजेक्शन प्रतिबंधित है, लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सब्जियों को बढ़ाने में किया जाता है, तो इंजेक्शन के असर वाली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
इसके असर से पेट की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख कम हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, त्वचा में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आप सोचिए कि इसमें पौन शक्ति भी कम हो सकती है, आंतों की बीमारियों का होना भी खतरा रहता है, डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं। जिन सब्जियों को आप सेहत का खजाना मानकर खाते हैं वो आपके शरीर को ऐसी तमाम बीमारियों का घर बना सकते हैं जिससे उभर पाना मुमकिन नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, भिंडी जैसे कुछ सब्जियां आपको बीमार बना सकती हैं? इन सब्जियों से शरीर में ऐसे कीड़े पहुंच सकते हैं जो आपको गंभीर बीमारी के आगोश में रखे जा सकते हैं। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। इन सब्जियों में कीड़ा लगना आम बात है, लेकिन अगर ये कीड़े आपके शरीर में चले गए तो फिर मुश्किल बड़ी हो सकती है। सब्जियों के कीड़ों से दौरे पड़ सकते हैं, सब्जियों के कीड़े से लीवर खराब हो सकता है। डॉक्टर्स की माने तो शरीर के अंदर पहुंचने के बाद कीड़े खून के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के कई अंगों में अंदर ही अंदर घुस कर आपको खोखला कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स की माने तो कीड़े अक्सर दिमाग में चले जाते हैं और उसके कारण एपिस्पिस की बीमारी हो जाती है। यही नहीं, कीड़े पेट में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही पेट के रास्ते लीवर तक चले जाते हैं। सब्जियों के कीड़ों के लार्वा खाने के साथ पहले तो हमारे शरीर में जाते हैं, फिर वो खून के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं। ऐसे में इंसान एपिलेप्सी का शिकार हो सकता है, यानी उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर्स की माने तो हालत किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा ये कीड़े पेट के रास्ते लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर समय रहते कीड़ों का पता नहीं चला तो मामला गंभीर हो सकता है। एपिलेप्सी भयंकर रूप ले सकती है, किडनी काम करना बंद कर सकती है, लीवर भी खराब हो सकता है, और सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो सलाद से होता है। डॉक्टर्स मानते हैं ऐसा, अगर हरी पत्तेदार सब्जियों को सलाद के तौर पर खाते हैं तो उसे शरीर में कीड़े पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो सावधान हो जाएं और जब भी सब्जी खाएं तो उसे खूब देखभाल कर जांच परख कर, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे सेहत का खजाना मान रहे हैं वही सब्जियां और सलाद आपको बीमार बना दे। तो ये ज़रूरी है कि आप साफ सफाई का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, वातावरण से भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें कुछ सब्जियों की, जिसमें टेप फॉर्म, इकोली जैसे आम जीवाणु हैं जो कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। ज़रा इन खतरनाक कीड़ों, कृत्रिम और जीवाणु के बारे में भी जान लीजिए। टेप फॉर्म सबसे खतरनाक कीड़ा है जो सब्जियों और मांस में आमतौर पर पाया जाता है। ये भोजन के जरिए पहले पेट में और फिर रक्त के जरिए मिलकर शरीर के दूसरे हिस्सों पर, यहाँ तक कि मस्तिष्क में भी पहुंच जाता है। इससे इंसान को न्यूरोसिस्टिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। इस रोग से मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने लगते हैं, और टेपफॉर्म की तरह है ई कोली और सेल्मोनेला जैसे रोग पैदा करने वाले जीवाणु बेहद खतरनाक है। रोगाणु भी सब्जी फलों पर पाए जाते हैं, इसलिए समझिए और ज़रा सा अगर आप चुनाव कर रहे हैं सब्जियों का तो देखकर संभल कर करें। इन जीवाणु से संक्रमित फल और सब्जियां छोटे बच्चे, बूढ़े और कमज़ोर लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। खेत से लेकर मंडी तक खतरे कई हैं। सब्जियों में कीड़े लगने की वजह तो खेतों में होती है, लेकिन कई बार मंडियों की गंदगी भी सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। साफ सुथरी सब्जी भी मंडी पहुँच कर बीमारियों का घर बन जाते हैं। कारोबारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब्जी को जैसी जगह पर रखते हैं और बेचते हैं, उसे सब्जियां खाने लायक नहीं रह जाती क्योंकि उन्हें फिक्र होती है सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की। तो अच्छी पैदावार हो इसकी भी फिक्र होती है, अब फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकलता है, पानी निकलता है, इससे कई बैक्टीरिया इसमें जम जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर हिदायत देते हैं कि जब भी आप ऐसी सब्जियों का चयन कर रहे हैं, जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन जैसी सब्जियां, क्योंकि ये धरती करीब होती हैं, तो इन्हें ज़रा सा काटने या छीलने से पहले अच्छे से धो लें, क्योंकि कई बार जब आप बिना धोए सब्जी छीलते हैं तो कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो इसमें पहुंच जाते हैं, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे ही आपको बीमार कर सकते हैं गंभीर रूप से, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है ताकि आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में डॉक्टर्स का मानना है कि अगर हम इसी तरह की चीज़ें खाते पीते रहे तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकती हैं। तो मिलावट कैसे चेक करें? मिलावटी पदार्थों में असली नकली का फर्क करना देखने में कठिन हो सकता है। अब ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने एक घरेलू और आसान उपाय बताया है
जिससे आप सब्जियों में मिलावट का पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिक्विड पैराफिन में भिगोया हुआ एक कॉटन का कपड़ा लें। इससे सब्जियों के ऊपर हिस्से को रगड़े। अगर सब्जी का हरा रंग कपड़े पर लग रहा है तो समझ लें कि सब्जी में मिलावट की गई है। वही अगर कपड़े का रंग नहीं बदला तो समझ लें कि सब्जी में मिलावट नहीं है। आप इसे खा सकते हैं, लेकिन धोइए ज़रूर सब्जी को काटने से पहले। और अगर जो पका रहे हैं अगर आप सब्जी को, तो उसे अच्छे से पकाएं तब जाकर खाएं। साथ ही साथ अगर आप सलाद खा रहे हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि आप बीमार हो रहे हैं इसी सब्जी खाने से, लेकिन एक लंबे पीरियड के बाद कहीं ना कहीं असर नज़र आ सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में हर चौथे व्यक्ति में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको सावधान करना हमारा मकसद था। डराने का कोई मकसद नहीं है, बस आप सावधानी रखिए। और एक और बात, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, लोग जागरूक तो हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास समय है या आपके पास ऐसी जगह है कि जहाँ पर गमले रख सकते हैं, तो छोटे छोटे गमलों में आप थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ उगा सकते हैं, ताकि आप घर से ही कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर सके। आपको बाज़ार से वो सब्जी ना लानी पड़े, वो ऑर्गेनिक भी होगी और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी नहीं करेगी। अब आप ये कहेंगे कि इसमें समय भी बहुत लगेगा और ऑर्गेनिक सब्जियां तो महंगी भी मिलेंगी, तो देखिए जीवन से ज़्यादा तो पैसा ज़रूरी नहीं है, जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद पैसा दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि बीमार होंगे तो डॉक्टर्स को फीस भी देंगे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्जियां जो खा रहे हैं, फल जो खा रहे हैं, खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन देखभाल कर खाइए, यही हमारा मकसद है आपको जागरूक करने का। कल फिर लौटेंगे भारत एट 9 में, खाद्य पदार्थ पर ही बात होगी और फिर से आपको जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी गौर किया है कि आप जो सब्जियाँ लेकर आ रहे हैं वो सब्जियाँ सही तरीके से नहीं हैं। क्या आपने कभी सुना है कि इंजेक्शन लगाकर सब्जियों को रातों रात बड़ा किया जा रहा है? अगर ऐसा सुना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।